तो गाइस यार आज की वीडियो में हम लोग शियाल को अपनी गर्लफ्रेंड बनाएंगे, उसके लिए मेरे को स्केल जितना बड़ा होना होगा। ओके तो गाइस यार ये है लेडी शियाल, और गाइस यार ये देखो कितनी ज्यादा बड़ी है, और गाइस यार ये है इसके चमचे जो इसके साथ रहते हैं, इसको हमेशा खुश करने की कोशिश करते पर ये कभी खुश नहीं होती क्योंकि ये चाहती है ये उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी जो असल में स्केल मीटर के ऊपर सबसे ज्यादा बड़ा होगा। देख रहे हो कितना बड़ा स्केल मीटर है जो इसके ऊपर सबसे ज्यादा बड़ा होगा। पर गाइस यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं तो सेमी बहुत ही ज्यादा छोटा हूँ, देखो यार मैं तो इस ट्रॉली से भी ज्यादा छोटा हूँ। और गाइस यार अपने आप को उस स्केल जितना बड़ा बनाने के लिए मेरे को पैसे लगेंगे यार, पैसे से मैं अपने आप के लिए इतने खतरनाक वाले हल्क सूट्स खरीद सकता हूँ जिससे मैं उस स्केल जितना बड़ा हो जाऊंगा और फिर यार शी हल्क मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास पैसे भी नहीं है यार, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ यार, मेरे पास तो एक रुपया भी नहीं, देख रहे हो तुम लोग। पर गाइस यार तुम लोग मुझे कम से कम $1 तो दे ही सकते हो, उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को टाइप करना है $1, ठीक है ओके। मैं जो बोल रहा हूँ वो करना आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है $1, जिससे मेरे पास $1 आ जाएगा, उससे हम लोग अपग्रेड तो नहीं हो सकते पर हमारे पास कम से कम $1 आएगा। तो चलो यार क्या करो आप लोग जल्दी से 1 2 3 4 5 लिखो $1। ये देखो गाइस यार हमारे पास $1 आ चुका है। तो गाइस यार जो हमारा सबसे पहला सूट है ना हल्क का जो मुझे चाहिए वो मिलेगा मेरे को $100 पे, उसके लिए मेरे को $100 कमाने पड़ेंगे और मेरे के पास कोई आइडिया नहीं है आखिर मेरे पास $100 कैसे आने वाले, इसलिए हम लोग $100 कमाएंगे या ढूंढेंगे कहीं पर कहां पर $100। अबे ये लोग क्यों खुश हो रहे हैं यार। ओए गाइस ये देखो लगता है यहाँ पर जो ये ATM मशीन है ये खराब हो चुकी है, इसमें से देखो कैसे पैसे बाहर निकल रहे हैं यार, यही तो चीज मेरे को चाहिए थी। अरे शुक्रिया शुक्रिया, चलो यहाँ पर कलेक्ट करता हूँ पैसे। ओ ये देखो हम लोग डॉलर कलेक्ट कर रहे हैं, ओ ये देखो मेरे पास $10 हो गए, नाइस नाइस। ओहो ये देखो भाई $20, ओहो बढ़िया बढ़िया, बस इनको पकड़ना है मेरे को कैच करना है, उसके बाद मेरे पास $100 हो जाएंगे। और ये देखो भाई $60 हो चुके हैं, इतने मजा आ गया यार, आज सही है यार मेरा लकी दिन है यार। ओ ये देखो $99, और ये फाइनली मेरे पास $100 कंप्लीट हो गए, हुर्रे ये भाई सब मेरे पास $100 कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलो गाइस यार मैं अभी दूर आ चुका हूँ सभी लोगों से, अब मैं जल्दी से अपने आप को $100 वाले सूट के अंदर अपग्रेड करता हूँ हल्क के। तो गाइस चेक आउट आवर न्यू अपग्रेड, तो गाइस यार ये है अपने हल्क का $100 का सूट। तो यार अब मेरे को जो अगला सूट मिलेगा वो मेरे को मिलने वाला है $1000 का, उसके लिए मेरे को $1000 ढूंढने पड़ेंगे या फिर कमाने पड़ेंगे। अगर मेरा ही ऐसे अच्छा लक चला, ओ माय गॉड कमर टूट गई, अगर मेरा आज ऐसे अच्छा लक चला तो मेरे को और भी पैसे मिलेंगे। चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस यार अभी हम लोग $100 वाले हल्क के सूट के अंदर अपग्रेड तो हो चुके हैं, पर गाइस यार अब मेरे को चाहिए होंगे अगले हल्क के लिए $1000, और हमारे पास ऐसे $100, तो हम लोग क्या करें। वो एक सेकेंड भाई वो वहां पर कौन है, ये तो मेरे को कोई प्रिजनर लगता है, हाँ ये तो कोई जेल में से भागा हुआ कैदी है, आखिर ये यहाँ पर कर क्या रहा है, लगता है कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ये छुपा रहा है या फिर कुछ तो ढूंढ रहा है। मैं जेल में से भाग के आ गया, मैंने जब लास्ट बार चोरी की थी जिसकी वजह से मैं पकड़ा गया था, मैंने पुलिस से छुपते छुपाते अपने सारे पैसे यहाँ पर छुपा दिए थे, बस मुझे यहाँ से मेरे पैसे निकालने और उसके बाद अपनी मस्त वाली लाइफ जीऊंगा, जेल में से भाग के आया हूँ मैं। वो 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 गाइस आज का तो दिन ही कमाल का है यार, यहाँ पर ये प्रिजनर है जेल से भागा हुआ कैदी, अब इसको हम लोग मारेंगे और इसने कुछ पैसे छुपा रखे यहाँ पर, वो पैसे हम लेंगे इससे। हेलो बर्डी क्या हाल है तेरे, हे कौन है तू, अबे मैं कोई नहीं हूँ, हे फिर जाने यहाँ से, अबे खड़ा तो तू, अरे क्या कर रहा है तेरी ऐसी तैसी, ये ले। ओके तो गाइस यार शायद मैंने इसको ठिकाने लगा दिया है, ये खड़ा तो होने वाला नहीं है मेरे हिसाब से काफी टाइम तक, तो मेरे पास यही मौका है, अब मैं जल्दी से यहाँ पर देखता हूँ इस पत्थर के नीचे है क्या, चलो देखते हैं। गाइस ये देखो भाई साहब मेरे हाथ से आपको दिख नहीं रहा क्योंकि मेरे हाथ काफी बड़े, ये देखो यहाँ पर छोटी छोटी पैसों की बोरी है यार जो इसने यहाँ पर इस पत्थर के नीचे छुपा रखी थी। ओह वेरी गुड भाई साहब आज का दिन ही अच्छा है मेरा, चलो गाइस ये पैसे लेते हैं। ये ओ गाइस ये देखो हमारे पास $1000 हो चुके हैं जो मेरे को चाहिए था अगला सूट के लिए हल्क के। चलो गाइस यार सबसे पहले हम लोग कहीं पर जाके छुपते हैं क्योंकि मैं किसी के आगे अपग्रेड कर नहीं सकता अपने आप को, ये एकदम सही जगह कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो अपने आप को अब अपग्रेड करते हैं $1000 के हल्क के अंदर। यो गाइस ये देखो ये अपना $1000 का हल्क, ओ माय गॉड ये तो सेमी बहुत ज्यादा अच्छा है यार, सेमी यार देख रहा कितना ज्यादा कूल लग रहा हूँ। ओए सबसे पहले तो मेरे को जाके ये देखना चाहिए कि आखिर मेरी हाइट कितनी हो गई है, चलो यार हम लोग स्केल मीटर पे चलते वहां पर जाके अपनी हाइट नापते हैं। ओ यार ये देखो ये रही मेरी ड्रीम गर्ल, भाई यार पर ये तो अब भी मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी है, मुझे लगा था $1000 का सूट काफी बड़ा होगा पर ये तो अब भी काफी ज्यादा छोटा है।
शी-हल्क, शी-हल्क। अबे यार वो इतनी ज्यादा बड़ी मेरी आवाज भी नहीं सुन सकती। और यहाँ पर ये देखो स्पाइडरमैन भी कितना ज्यादा बड़ा है। चलो हम लोग जाके अपनी हाइट नापते हैं भाई सब। अभी देखता हूँ यहाँ पर मेरी हाइट कितनी हो गई है। ओ भाई देख रहे हो अभी तो मेरी हाइट सिर्फ 0 से कुछ 3 इंच ऊपर आई है $1,000 के हल्क के अंदर। अभी मेरे को और पैसे चाहिए होंगे। ओके तो गाइस यार अब मेरे को जो अगला हल्क अपग्रेड मिलेगा वो मुझे मिलने वाला है $10,000 के ऊपर। तो गाइस यार अब हमें $10,000 चाहिए अपने अगले अपग्रेड के लिए। चलो करते हैं। गाइस यार सबसे अच्छा पैसा कमाने का तरीका पिज्जा। और गाइस यार आप लोग जो सोच रहे हो कोई नॉर्मल पिज्जा नहीं है, इस एक पिज्जे का प्राइस पता है पूरे $3,500 है। और वो मेरे को पता नहीं यार इस पिज्जे के अंदर ऐसा वो क्या बेच रहे हैं भाई जो ये $3,500 का पिज्जा है। तो यार सबसे पहला जो ऑर्डर है मेरे हिसाब से मेरे को इसी घर में से आया है। हेलो सर, एक सेकंड लगता है मैं गलत घर में आ गया यार। एक तो पिज्जा डिलीवरी करने में मतलब जो भी डिलीवरी बॉय का काम होता है उसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही रहती है कि यार लोगों को ये ध्यान नहीं रहता कि यार पड़ोस वाले ने पिज्जा मंगाया या फिर उससे बगल वाले में, बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता यार कौन सा घर था यार ये वाला। नहीं नहीं ये वाला भी नहीं है, आगे चलता हूँ। हेलो सर पिज्जा बॉय। ओके ओके मेरे को लगता है यही घर होने वाला है। चलो अंदर चलते हैं पिज्जा डिलीवर करने। हाँ ये सिंचैन ने मंगाया पिज्जा। ओके ये स्कूटर अंदर चला जाए बस, ये पहुंच गए। हेलो सर आपका पिज्जा आ चुका है। अरे जल्दी लाओ यार पिज्जा, कब से वेट कर रहा हूँ, मेरा तो पेट ही फटा जा रहा है, मजा आने वाला है पिज्जा खा के। एक्चुअली सर मेरे को एक क्वेश्चन ये पूछना था, आखिर इस पिज्जा के अंदर ऐसा क्या है जो इतना ये महंगा है $3,500 का। अरे ये लग्जरी पिज्जा है, लग्जरी लोगों के लिए जैसे कि मैं हूँ इसलिए ये इतना महंगा है। मैं तुम्हें 4 देता हूँ 3 की जगह, बस जल्दी से मेरे को पिज्जा दो मेरा, जल्दी जल्दी। चलो गाइस यहाँ पर हमने पहला पिज्जा हमारा डिलीवर कर दिया है। और यहाँ पर भाई मेरे को टिप मिली है $500 की। मेरे पास हो चुके $4,000 भाई साहब। सही इतना महंगा पिज्जा यार, ये लोग कितने अमीर है सोचो, $4,000 भाई कितने होते हैं इंडियन रुपीज में। ओ माय गॉड ये तो 3.5-3 लाख रुपए हो गए भाई, इतना महंगा पिज्जा खाते हैं लोग। सही चलो मुझे क्या लेने देना, मेरे को तो मेरे $10,000 बनाने जिससे मेरे को अगला सूट मिले जल्दी जल्दी हल्का। ओके तो गाइज यार जो अगला घर था वो कौन सा था, उसमें मैं डिलीवरी करके आया हूँ पीछे वाले में, तो अगला घर कौन सा है, आई थिंक ये वाला है। जल्दी चलता हूँ भाई साहब क्योंकि मुझसे वेट नहीं हो रहा है यार। जल्दी से जल्दी अपने आप को अपग्रेड करेंगे, इतनी जितनी जल्दी हम लोग करेंगे उतनी जल्दी मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पास आएगी, मतलब कौन यार मेरी ड्रीम गर्ल। ओके यहाँ देखता हूँ यही घर होना चाहिए। हेलो सर पिज्जा डिलीवरी, पिज्जा पिज्जा। ओके मेरे हिसाब से मैं घर गलत घर में आ गया फिर से। चलो भाई वापस चलो, पता नहीं यार कौन सा घर था, चलो उस तरफ चलते हैं। ओके तो गाइस यार मैं एक घर आगे चला गया था, इस घर में दे दी है मेरे को डिलीवरी। ओ माय गॉड क्या घर है भाई, देख रहे हो क्या मस्त सामने का भाई ये दे रखा है रास्ता जाने का। अंदर चलता हूँ। हेलो सर पिज्जा डिलीवरी, पिज्जा मंगाया था सर आपने। अबे यार ये घर कितना टेढ़ा मेढ़ा है यार, लगता है मैं पीछे की साइड आ गया हूँ। पूल कहाँ पर है इस घर का। ओके ओके ओ भाई सब ये तो फ्लैश है। सर आपका पिज्जा, ओ मेरा स्कूटर भी पानी में चला जाता। लो सर आपका पिज्जा आ चुका है, इनसे भी पूछता हूँ। हेलो सर आप मेरे को ये बताइए, आप इतना महंगा पिज्जा खाते हो, आप कमाते क्या हो। एक्चुअली मैं तो एक सुपर हीरो हूँ तो मेरे लिए पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पर मैं जैसा बोलता हूँ कि पैसे कमाओ जिंदगी मजे लो, अब मेरे को जल्दी से मेरा पिज्जा दे दो, ये लो तुम्हारे $3,500। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। वो गाइस ये देखो 4, 5, 6, 7, $7,500 हो चुके हमारे पास ऑलरेडी। मेरे को सिर्फ अभी $2,500 और चाहिए और ये वाला पिज्जा भी $3,500 का बिकेगा। मेरे को बस ये लास्ट डिलीवरी करनी है और उसके बाद तुम्हारा भाई अपना नया सूट खरीद पाएगा। वो सब भाई मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ सोच सोच के। तुम लोग क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो, जिससे यार हमारे पास और भी ज्यादा स्पीड से पैसे और हम ज्यादा जल्दी अपग्रेड हो सके अपने आप को। चलो 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 चलो, अबे कौन सा घर है, यही वाला घर है। हेलो सर पिज्जा डिलीवरी, पिज्जा डिलीवरी। नहीं 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 गलत घर में आ गया, गलत घर में आ गया। होम नंबर 200, हाँ यही घर है। चलो भाई सब अंदर चलते हैं जल्दी से और ये लास्ट पिज्जा इसको भी डिलीवर करता हूँ, उसके बाद काम खत्म। ओ गाइस यार यहाँ पर तो सोनिक है। हेलो सोनिक कैसे हो तुम। अरे मैं बढ़िया, मेरा पिज्जा लाए हो ना। हाँ सर ये रहा आपका पिज्जा। हाँ जल्दी दो जल्दी। ओके तो सर थैंक यू सर। हाँ ठीक है फिर आने कभी पिज्जा डिलीवर करने। अरे नहीं नहीं मेरे को फिर से पिज्जा डिलीवर करने में कोई शौक नहीं है, मेरे पास $10,000 हो चुके। ओए ये क्या, ओए ये भागो भागो इससे पहले कि भाई इसका कर्जा मांग ले। भाई मैंने गलती से उसका गेट तोड़ दिया। अब कहां पर करूँ अपना आपके अपग्रेड, यही कर लेता हूँ कोई देख नहीं रहा है ना। हाँ अंदर जाके कर लेता हूँ जल्दी से अपने आपको अपग्रेड $10,000 के हल्क के अंदर। ओके तो गाइस यार 1, 2, 3 लेट्स अपग्रेड। गाइस यार ये देखो ये अपना $10,000 का हल्क का आर्मर। भाई सूट लगाओ या आर्मर जो भी है, पर भाई क्या कूल लग रहा है तुम्हारा भाई, देख रहे हो। मैंने आज से पहले बहुत सारे हल्के आर्मर देखे पर ये ऐसा नहीं देखा भाई, इसके पास तो आयरन मैन जैसी पावर्स लगती है मेरे को। पर गाइस यार अभी मेरे को और भी ज्यादा पैसे चाहिए क्योंकि जो अगला सूट है वो होने वाला है पूरे के पूरे $1,00,000 का यार। $1,00,000 $10,000 से सीधा $1,00,000, तो $1,00,000 तो बनाने पड़ेंगे ना। चलो उसके लिए और काम करते हैं। तो गाइस यार ये वाला तो इतना पावरफुल है सूट तुम्हें पता है, पर गाइस यार अभी मेरे
मेरे को और पैसे चाहिए, उसके लिए मेरे को चाहिए $1,00,000 यार। पर $1,00,000 मैं कहां से लाऊं यार, समझ नहीं आ रहा मेरे को। एक सेकंड, ये सामने क्या चल रहा है यार, यहां पर तो कितने सारे यार ये टैंक्स टाइप में कुछ चीजें खड़ी है। ओए ये तो असल में सारा वो सामान है यार कंस्ट्रक्शन वाला। हाँ देखो यार वो रोबोट रहा जिससे यार ये बिल्डिंग विल्डिंग तोड़ते हैं, चल क्या आ रहा है यहाँ पर ये सब। और भाई क्या हाल है, क्या चल रहा है यहाँ पर, कैसे कुछ क्या तोड़ रहे हो? अरे यार बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम हो गई है? अरे ये जो तुम हमारे पीछे जमीन देख रहे हो ना, ये असल में सरकारी जमीन थी और किसी ने इलीगली इसके ऊपर घर बना दिए। और प्रॉब्लम ये जितने भी घर बनवाए गए ये हमारी ब्रांच थ्रू बनवाए गए हैं। अब हमें पता नहीं था कि ये सारा इलीगल काम है, तो अब इनका तोड़ने का काम भी हमें मिला है। अगर सरकार ने बोला अगर तुमने जल्दी से घर नहीं तोड़े ना तो हमारे ऊपर जुर्माना लगा देगी। भाई अब तू बता इतनी जल्दी हम घर कैसे तोड़े, एक दिन का टाइम दिया, एक दिन में इतने घर कैसे तोड़े? हाँ भाई तू ही बता इतने एक दिन में कैसे इतने घर तोड़ देंगे। अरे हमारी तो जिंदगी तबाह हो गई। अरे भाई कैसे देंगे जुर्माना सरकार को, प्लीज कोई तो हमारी मदद करो यार, एक दिन में हम इतने घर कैसे तोड़ेंगे, कोई तो मदद करो। ओके तो गाइस यार तोड़ने फोड़ने की बात चल रही है और यहाँ पर तोड़ने फोड़ने में तुम्हारा भाई ज्यादा एक्सपर्ट है। एक काम करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मैं हूँ एक हल्क और हल्क से अच्छा तोड़ने फोड़ने में कोई भी नहीं है। तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर इन घर को तोड़ने में, तो तुम मुझे क्या दे सकते हो, मतलब मेरे को क्या मिलेगा अगर मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ इन घरों को तोड़ने में? अरे भाई सही में तू तोड़ सकता है? हाँ मैं ऑफकोर्स तोड़ सकता हूँ क्योंकि मैं ताकतवर हल्क हूँ। हाँ तो तुम हमारी मदद करो और हम बदले में तुम्हें एक घर तोड़ने के $20,000 देंगे। क्या $20,000? अब भाई लप्पू से क्या देख रहा है? गाइस यार अगर मैं एक घर तोड़ता हूँ तो मेरे को $20,000 मिलेंगे। अरे हाँ भाई $20,000, बस तेरे को जल्दी जल्दी एक घर तोड़ने है, बता करेगा हमारे लिए काम? अरे हाँ भाई करते यार, अगर तू ये काम कर देता तो हमारे ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी यार। हाँ ठीक है मेरे को वैसे पैसों की जरूरत थी, तो ठीक है मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में। ओके तो गाइस यार ये गोल्डन चांस, मेरे को ऐसा ही तो मौका चाहिए था। तो यार $20,000 मिलेंगे एक घर को तोड़ने के। और यहाँ पर कितने घर है यहाँ पर? ओके तो गाइस यार यहाँ पर कुछ घर तो अभी बने नहीं है, जो बन के तैयार हो चुके हैं 1, 2, 3, 4, 5। ओके तो गाइस यहाँ पर 5 घर है और मेरे पास अभी कुछ $11,000 ऑलरेडी है, तो 5 × 20 मतलब मेरे पास $1,00,000 और एक्स्ट्रा आ जाएंगे। मतलब भाई मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकता हूँ क्योंकि अगला सूट $1,00,000 का ही तो हल्का। ओ भाई ये मजा आ गया, वीडियो यही तो चाहिए था मेरे को। ओके तो गाइस यार सबसे पहले हम इस घर को तोड़ेंगे, उसके लिए मेरे को आप लोगों की मदद चाहिए, मेरे को पावर अप करना होगा अपने आप को इस घर को तोड़ने के लिए। मैं इसको एक पंच में तोड़ूंगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है सुपर पंच, जिससे इस घर को एक ही पंच में तोड़ दूं यार। भाई मजा आने वाला है, बस बहुत तेज वाला, क्योंकि यार इतना इजीली मेरे को पैसे मिल जाएंगे। बस मेरे अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि मैं इस घर को तोड़ सकूं, मेरे को जल्दी से जल्दी घर को तोड़ने, अगर मैंने दिक्कत की तो फिर पैसे नहीं मिलेंगे मेरे को। चलो भाई। ओके तो गाइस यार लिखना सुपर पंच, ठीक है 1, 2, 3। ओके लिखो जल्दी से सुपर पंच, 1, 2, 3। ये देखो भाई एक पंच में मैंने पूरा घर तोड़ दिया, क्या कूल था यार, ये तो बहुत कूल चीज थी सही में यार, मजा आ गया करके। भाई $20,000 मिल गए, नाइस 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 नाइस। चलो यार अब सेकंड घर तोड़ना है, फिर से वही सेम चीज करनी है, आप लोगों को लिखना है सुपर पंच, जिससे हम इस घर को एक ही बार में तोड़ पाए एक ही पंच के अंदर। भाई सब दीवारें उठी आई थी, मतलब जमीन से भाई पत्थर उठ के आ गए थे, हम इतनी तेज पंच मारा था तुम्हारे भाई ने बिल्कुल सॉलिड तरीके से। चलो एक और पंच मारते हैं, इस बार और भी ज्यादा ताकत से ये घर थोड़ा बड़ा है क्योंकि यार यहाँ पर बहुत ज्यादा खिड़कियां हैं। ओके ठीक है रेडी है सभी लोग? ओके चलो अपनी पोजीशन बनाता हूँ, 1, 2। अरे घूम गया मैं तो, सॉरी इस तरफ मारने ना, सुपर पंच। वो ये भी गया, दूसरा घर भी तोड़ दिया। भाई पत्थर देखो कैसे निकलते हैं भाई जमीन में से, और कितना पावर से पंच मारा भाई, नीम दिख रही है घर की, पूरा घर डिगा दिया। दो घर हमने तोड़ दिए, $40,000 तुम्हारे भाई के अकाउंट में आ चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट। बचे 3 घर, इन 3 घर को और तोड़ देते हैं। ओके ये वाला घर उससे भी ज्यादा बड़ा है जो मैंने पिछली बार तोड़ा था, क्योंकि इसमें चिमनी विनी काफी कुछ है। ओके तो गाइस यार ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, ना ही ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि यार मेरे को जल्दी से जल्दी अपने आप को स्केल जितना बड़ा करना है, मेरे को यार गर्लफ्रेंड बनाना है यार शियल को, मैं पसंद करता हूँ बहुत। तो चलो ये हो गए हम लोग अपनी पोजीशन में रेडी। ओके 1, 2, 3 सुपर पंच, बूम ये गया भाई एक ही पंच में बिल्कुल खतरनाक तरीके से। हमने यहाँ पर 4 घर तोड़ दिए, 3 घर तोड़ दिए यहाँ पर हमने, बचे ये 2 घर और भाई साहब इन 2 घर को और तोड़ना है और उसके बाद काम खत्म, उसके बाद हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं पूरे $1,00,000 के साथ। चलो भाई साहब फिर से रेडी हो ना आप लोग? तो यार सुपर पंच लिखने के लिए तैयार हो जाओ। और यहाँ पर मैंने ये बनाई पोजीशन और ये बम, ओ भाई ये घर भी गया एक ही पंच में, नाइस नाइस नाइस, मजा आ गया। बस बचा हुई लास्ट घर, इस घर को और तोड़ते हैं और उसके बाद अपने अकाउंट में हो जाएंगे लगभग $1,12,000, जिससे हम इजीली अपना अगला हल खरीद सकते हैं। ओ भाई चलो चलो इसको भी तोड़ते हैं। आर यू गाइस रेडी फॉर नेक्स्ट धमाका? ओके 1, 2, 3 और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ पोजीशन के अंदर, अब लगाता हूँ थोड़ी और ताकत और ये 1, 2, ये घर भी गया भाई, बैट बॉल खेल रहा हूँ मैं तो इन घर के साथ यार।
तो यहाँ पर मैंने सभी के सभी घर तोड़ दिए जैसे कि मैंने उन लोगों को बोला था, और उन्होंने भी अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मेरे को हर घर तोड़ने के $20,000 दिए। चलो यार कहीं दूर चलता हूँ और अपने आप को अपग्रेड करता हूँ छुपके। ओके तो गाइस यार वहां से मैं इस साइड आ गया हूँ, मेरे पास पैसे तो पूरे हो चुके हैं, तो चलो यहाँ पर मुझे कोई देख भी नहीं सकता, अपने आप को अपग्रेड करते देखते यार अब हमारे पास $1,00,000 का कैसा सूट आएगा। गाइस यार ये देखो भाई साहब क्या कमाल का सूट आ चुका है इस बार मेरे पास। भाई यार मेरी हाइट तो पहले से भी काफी बढ़ गई है, पर यार अब भी मैं काफी ज्यादा छोटा हूँ, तो इसलिए अब मैं डायरेक्ट एकदम इतना बड़ा अपग्रेड करने वाला हूँ जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। अभी जैसे ये $1,00,000 का, अब मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ $100,000,000 का अपग्रेड, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है यार, $100,000,000 का सीधा अपग्रेड करते हैं। उसके लिए मेरे को $100,000,000 चाहिए और मुझे पता है कि $100,000,000 मुझे कहाँ मिलेंगे, उसके लिए मैं करने वाला हूँ एक बहुत ही खतरनाक वाला रैम चैलेंज। चलो गाइस रैम चैलेंज करने चलते हैं, लेट्स गो। तुम सभी लोगों का स्वागत है आज की खतरनाक वाले इस रैंप चैलेंज में। तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम लोगों को जानती हूँ। तुम सभी को पैसे चाहिए, मैं हूँ सांपों की रानी अप्रीला। तो तुम में से जो भी आज यहाँ ये रैंप चैलेंज जीतेगा उसे मैं पूरे $100,000,000 दूंगी, पर तुम्हें पहले जीतना होगा। उसके लिए तुम्हें यहाँ से एक गाड़ी लेनी है जिसे तुम आगे जाओगे फिर नीचे जाओगे, और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे चैलेंज और भी ज्यादा हार्ड होगा जिसमें और ज्यादा मजा आएगा, और फिर तुम इधर आओगे टायर के अंदर से जाओगे, फिर तुम वापस यहाँ आओगे बाइक लेके और आगे जाओगे। आखिर में जो जीतेगा उसे करोड़ों रुपए मिलेंगे जैसा कि मैंने बताया, जीतने वाले को मिलेंगे इतना सारा गोल्ड और ये हीरा। ओके तो गाइस यार यहाँ पर ये कोई बतख है, पता नहीं यार ये कैसी बतख है, ऐसा लगता है किसी ने इसको काट दिया था बस ये जिंदा रह गई, मतलब इसका मीट बनाना चाहते थे लोग पर रास्ते में रोक दिया हो, ऐसा लग रहा है इस बतख को देख के सारे पर उड़ा दिए इसके। ओ भाई इस बतख की आवाज मेरे को समझ आ रही है, ये मेरे को गालियां दे रही है। भाई भाई मैं क्या कर सकता हूँ अगर तेरे साथ किसी ने इतना बुरा किया है तो। ओके 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 ठीक है गाइस यार ये बोल रही है कि बचपन से ही ऐसी है और ये पैसे इसलिए चाहती है, एक बार अगर ये इतने सारे पैसे जीत जाएगी तो फिर ये अपने असलियत के पर लगवाएगी, समझ रहे हो ना, मतलब इसके पंख नहीं है तो एक एक बाल लगवाएगी। तुम्हें पता है हेयर ट्रांसप्लांट का कितना मोटा खर्चा होता है, सोचो इसके ऊपर पूरे शरीर के ऊपर जब ये पंख लगवाएगी तो कितना महंगा बैठेगा। और क्या और कुछ है तेरा? ओके तो गाइस यार ये कह रही है कि इसको कोई नॉर्मल पंख नहीं लगवाने अपने शरीर के ऊपर, इसको असल में सोने के पंख लगवानी है, ये चाहती है कि ये दुनिया की सबसे सुंदर बतख बने। भाई साहब उसके लिए तो इसको सही में बहुत सारा पैसा चाहिए यार, इसलिए रैम चैलेंज करने आई है। ओके ओके ठीक है मुझे समझ में आ गया। ओए एक सेकंड, पहली बात तेरे को गाड़ी क्यों चलानी आती है, और रही बात अब तो हेलीकॉप्टर कैसे चलाएगी? ओके तो गाइस यार ये मेरे को बता रही है कि ये कोई FIB एजेंट थी, अगर तुमने फिनियस एंड पॉप देखा उसके अंदर प्लैटी सब होता है, क्या होता प्लैटी टाइप था क्या था वो मेरे को याद नहीं है, हाँ पर वो एक सीक्रेट एजेंट था, ऐसे ये बतख भी एक सीक्रेट एजेंट है। तुम बताने यार तुम किस किस ने फिनियस एंड पॉप देखा है, ठीक है मेरे को तो बहुत पसंद था यार बचपन में वो। ओके तो गाइस यार ये भाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक बतख है यार, मतलब कितनी आसानी से यार ये हेलीकॉप्टर भी उड़ा पा रही है, ये तो सही में कमाल बतख है यार। ओए ये क्या, अब कूद क्यों रही है? ओ गाइस इसको लगा कि उड़ जाएगी, भूल गई थी कि उड़ नहीं सकती क्योंकि इसके पंख खराब हो चुके हैं। गाइस यार मेरे को बेचारी बतख के लिए सही में बहुत ज्यादा बुरा लगा है यार, मतलब यार वो बेचारी उड़ नहीं पाई। कोई बात नहीं तो मैं रहा उड़ने के लिए। ओए एक सेकंड, ये तू मारियो है क्या? हाँ मैं मारियो हूँ। एक सेकंड, मारियो ऐसा तो नहीं दिखता, उसके तो लाल कपड़े हैं। नहीं मैं ईविल मारियो हूँ और मुझे ये पैसे चाहिए। तुझे इन पैसों की क्या जरूरत है? इन पैसों से मैं अपनी हाइट बढ़वाऊंगा, मुझे मारियो नहीं रहना, मारियो बोना है, मुझे बोना नहीं रहना, मुझे अपनी हाइट बढ़ानी है। अच्छा हाँ तेरी सोच तो बोने वाली है। क्या मतलब मेरी सोच बोने वाली है? अब गाड़ी तो कुछ अच्छी चला लेता, क्यों बोने वाली गाड़ी चलाने में ज्यादा मजा आता है जो ये छोटी सी नैनो चला रहे,
हे ऐसा कुछ नहीं है, ये गाड़ी भी काफी बड़ी है। किसने बोला ये गाड़ी बड़ी है? मुझे तो काफी बड़ी लगती है। क्योंकि तू छोटा है ना, तेरी छोटी सोच है और तू बोना है इसलिए तेरे को ये गाड़ी बड़ी लगती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये गाड़ी काफी बड़ी है। अबे मैं तो इसके अंदर फिट भी नहीं आ सकता क्योंकि मैं तो इतना बड़ा हल्क हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, गाड़ी काफी बड़ी है, तुम मुझे बस भटका रहे हो मेरे लक्ष्य से। अब मेरे को क्या मिलेगा तेरे को भटका के? तुम चाहते हो कि वो पैसा तुम्हें मिले? हाँ वो तो मैं चाहता हूँ कि वो पैसा मुझे मिले, तो इसलिए तुम मुझे अपने लक्ष्य से भटवाने की कोशिश कर रहे हो। भटवाने नहीं, भटकाना होता है। हाँ वही, सेम सेम पर डिफरेंट। हाँ तो फिर जीत ले अगर भाई तेरे को इतनी जरूरत है तो। हाँ वो तो मैं जीतूंगा ही, तुझसे थोड़ी पूछ के जीतूंगा मैं। ओके हाँ ये भी बात सही है। एक सेकेंड, तूने ऑलरेडी सोना पहन रखा है क्या? हाँ मैंने सोना पहन रखा है। पर तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया जो तूने सोने के कपड़े पहन रखे हैं? हाँ, मैंने मेरे भाई मारियो के साथ स्कैम किया और उसके उससे मैंने पैसा छीन लिया, उससे मैंने सोने के कपड़े खरीदे। अबे भाई साहब, तुम लोगों को पता है मारियो कितना फेमस है, तो उसके पास पैसे तो है काफी, पर ये उसका भाई है इविल मारियो और उसने उसके काफी सारे पैसे छीन लिए और भाई सब अपने आपके लिए भाई गोल्ड कपड़े खरीद लिए। भाई देख रहे हो तुम लोग, भाई 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 नहीं रहा। चुप रहो और मेरे को जीतने दो बस। ओके तो गाइस यार यहाँ पर यार जो बतख थी वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी, मजा आ जाए ये भी हो जाएगा तो। नहीं मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं बचा के, ये बच गया, चलो उतरता हूँ इस हेलीकॉप्टर में से। ओ भाई मेरे को लगा था कि ये यहाँ पर फोड़ देगा एक दो जेट प्लेन को तो, पर कुछ भी नहीं हुआ ऐसा तो। तुम्हें क्या लगता है खुद की तरह पागल समझते हो मेरे को? ओए ज्यादा मत बोल ठीक है ना, कुछ ज्यादा नहीं बन रहा है क्या? अब तू जीतने आया हूँ यहाँ पर, ज्यादा तो बनूंगा ही। वो तो टाइम बताएगा कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। जीतूंगा तो मैं ही, देख लेना तुम। ये मैं चला। गाइस यार इसको तो जेट प्लेन तक उड़ाना आता है। मैंने मेरे भाई के बहुत मजे लिए इसलिए मुझे सब कुछ आता है। ओ भाई कितना मस्त जेट प्लेन उड़ा रहा है, ये तो सही में जीत ही जाएगा। और क्या जीतूंगा, तुझे क्या लगता है? नहीं जीतूंगा मैं। ओ भाई देख रहे हो इतनी इजीली इसने प्लेन उड़ा भी लिया और ये क्रैश होगा शायद। ए क्या हो रहा है? ओ शिट इसकी तो एक पंखड़ी टूट गई। ओ नो मेरी तो बैंड बच गई। तो गाइस यार अब तुम्हारे भाई की बारी है और मेरे को किसी हालत में भी ये रैम चैलेंज जीतना है क्योंकि मेरे को वो पैसे चाहिए यार जिससे मैं अपने आप को उस खतरनाक स्केल जितना बड़ा कर सकूं और फिर उसके बाद लेडी शील्क मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। ओ भाई हम चलो प्रोटो। भाई सब एकदम परफेक्ट ट्रक है मेरे लिए यार, मेरे साइज के मुताबिक देख रहे हो काफी सही है और काफी सही पावर भी है, तो मैं इससे इजीली रैम चैलेंज को कंप्लीट कर सकता हूँ। मेरे को पूरा बिलीव है मेरे ऊपर, मैं जीत जाऊंगा। ओके ब्रेक लगाता हूँ यहाँ पर सबसे पहले, क्यों मैं फालतू में ऊपर चक्कर लगा के आऊँ जब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट जा सकते हैं। और ये चीज मैंने मारियो के में देखा था क्योंकि यार मारियो ने पूरा कंप्लीट तो किया नहीं था वो गोल चक्कर क्योंकि गाड़ी बहुत ज्यादा अंडर पावर थी भाई, इतनी छोटी सी गाड़ी थी यार उसकी, मतलब बहुत ही छोटी थी, मैं तो उसके अंदर आ भी नहीं सकता था यार। हाँ तो गाइस यार आप लोग क्या कर रहे हो? जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो यार विन, जिससे तुम्हारा भाई जरूर जीते। अगर तुम्हारा भाई नहीं जीत पाया तो समझो क्या होगा यार, सब कुछ मेहनत पानी में चली जाएगी यार। तुम्हारे भाई ने क्या क्या नहीं किया, उन घरों को मैंने तोड़ा पैसे कमाने के लिए और उसके बाद भाई मैंने पिज्जा डिलीवरी की यार, और कितने काम करे तुम्हारे भाई ने यार ये सब करने के लिए, उस स्केल जितना बड़ा होने के लिए। अबे ये क्या शिट, अबे यार पीछे से लाना पड़ेगा, ये भाई गाड़ी थोड़ी ज्यादा बड़ी है ना इसलिए यार यहाँ से जा नहीं रही थी। चलो भाई पहुंच गए कहाँ है, ग्रीन कलर का हेलीकॉप्टर लेके चलेंगे यार हम लोग क्योंकि मैं भी ग्रीन और मेरा हेलीकॉप्टर भी ग्रीन, जिससे थोड़ा गुड लक ज्यादा अच्छा हो जाएगा तुम्हारे भाई का। ये हम लोग बैठ गए हेलीकॉप्टर के अंदर, चल मेरा हेलीकॉप्टर होता स्टार्ट, टक 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 टक। अबे क्या हेलीकॉप्टर ऑन नहीं हो रहा, चलो हो गया। घूम 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 घूम, ये हम लोग चले तो गाइस यार हेलीकॉप्टर हो चुका हमारा स्टार्ट, अब चलते जल्दी से। वो अबे भाई ये क्या, सबसे अच्छा हेलीकॉप्टर तो मुझे ही चलाना आना चाहिए था पर सबसे गंदा तो मैं ही चला रहा हूँ यहाँ पर, चक्कर क्या है भाई? बतख भी मुझसे अच्छा हेलीकॉप्टर उड़ा रही थी। आराम आराम से भाई ये तो बहुत ज्यादा बड़ खा रहा है यार, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरे को ऐसा ही लगता है मैंने शायद कोई गलत मिस्टेक वाला हेलीकॉप्टर उठा लिया भाई, ये तो काफी ज्यादा झोले मार रहा है भाई। अरे इसकी ऐसी तैसी, नहीं यार बस यार क्रैश नहीं होना यार, क्रैश नहीं होना यार, इतनी मेहनत की है क्रैश होने के लिए, इतनी मेहनत नहीं की है मैंने। ओके मेरे हिसाब से हम लोग इजिली उतार लेंगे इसको, और ये रुक जा, उतर गए उतरो भाई। तो फाइनल यार मेरे हिसाब से मेरी सबसे परफेक्ट लैंडिंग थी यार, जहाँ पर उतारना था मैंने वहीं पर ही उतारा। चलो अब लेते हैं यहाँ से ये वाला जेट प्लेन और इसको बस अच्छे से उड़ाना है क्योंकि यार जैसे उसका प्लेन उड़ाता मेरा नहीं उड़ना चाहिए बिल्कुल भी, फट गया ना ये तो दिक्कत हो जाएगी। ये हम लोग बैठ गए, इंजन स्टार्ट करता हूँ इसका। ओके तो गाइस ये हम लोग चले और मेरे को बस मेरा प्लेन क्रैश नहीं करना है बिल्कुल भी। ओ भाई 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 ज्यादा तेज नहीं भाई, कंट्रोल से बाहर हो रहा है जैसे उसका फट गया था, मेरे को नहीं फाड़ना। ओके घूम जा प्लीज। ओके इंजन बंद बस काम हो गया। शिट बच गया भाई साहब, सही है मैंने शुरुआत में टायर बंद नहीं किए, इन टायर्स की वजह से बच गया, अगर थोड़ा सा और दिक्कत होती
तो मेरा तो बैंड बच चुका था यार, इन टायर्स की वजह से बच गया यार मैं। चलो गाइस यार उस साइड जाना, मेरे को आ गए लोम लोग इस साइड भी। अब मेरे को चलानी यहाँ पर बाइक। ओके हम बाइक भी चलाएंगे ग्रीन कलर की, क्योंकि मैं नहीं चाहता रिक्स लेना बिल्कुल भी। ओके भाई ग्रीन कलर की बाइक लेके, ओ बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल बढ़िया। चलो 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 ये उड़ाई सारी चीजें, अब लगानी यहाँ से जंप। वो भाई बिल्कुल परफेक्ट। अब यहाँ पर एक और जंप लेनी है, वो भाई बिल्कुल परफेक्ट। चलो भाई साहब, अरे यार ये देखो कितने बड़े बड़े बर्गर है यहाँ पर। गाइस यार अगर मेरा साइज जब इतना जॉइंट हो जाएगा, मतलब उस स्केल जितना बड़ा, उससे भी ज्यादा बड़ा, या शायद उसके जितना होगा या आधा होगा, मतलब मेरे को शेल्क से ज्यादा बड़ा होना है एंड ऑफ द डे। अगर मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इतने बड़े बड़े बर्गर्स भी खा पाऊंगा फिर। हाँ शेल्क के लिए मैं गिफ्ट में लेके भी चल सकता हूँ इतना बड़ा बर्गर, वो खुश भी हो जाएगी मैं उसके लिए इतना बड़ा बर्गर गिफ्ट में लेके आया हूँ। ओके अब यहाँ पर बैलेंस करना है, सामने दिख नहीं रहा कुछ भी। ओए ये शिट शिट शिट, लेट हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया, बीच में ये डंडा अड़ गया। ओके ये नीचे गया डंडा और ये हम लोग आगे चले, परफेक्ट बिल्कुल इजी पीजी। और ये बिल्कुल गुड 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 सो गुड, एकदम सही चल रहे यार हम लोग। ओ नहीं बच गया, हल्का सा रह गया भाई, अभी नीचे जाता। अब यहाँ से आराम से बाइक ऊपर चढ़ानी है। अब ये ज्यादा भीड़ा नहीं हो गया क्या, मतलब बहुत कम जगह है यहाँ पर यार, और मेरा साइज बहुत ज्यादा बड़ा है ऐसी जगह पर बाइक चलाने के लिए, क्योंकि यार मैं बहुत ज्यादा जॉइंट जो हो चुका हूँ। ओए एकदम बढ़िया, सभी चीजों को तो मैंने नीचे गिरा दिया, अब यहाँ पर इनको भी गिरा दिया। सॉरी भाई, भाई किसको बोल रहा हूँ मैं भी, वहां पर तो सापन है ना यार, नागिन, हाँ जो मेरे को ये सब कुछ दे रही है। और गाइस यार ये देखो ये नागिन के पास कितना पैसा है यार, कितने सारे डायमंड से रास्ते। ये नागमणि तो नहीं है? नहीं नहीं नागमणि तो नहीं हो सकती, नागमणि ऐसे नहीं देती नागिन किसी को। अगर मेरे को नागमणि मिल जाए तो मैं नागमणि से कुछ भी मांग सकता हूँ, मैंने कहानियां सुनी है नागमणि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। ओके भाई साहब यहाँ पर ये आगे आ गया, बिल्कुल परफेक्ट। तो गाइस यार वो वाली जगह काफी ज्यादा हार्ड लगी थी मेरे को, क्योंकि यार यहाँ पर काफी ज्यादा जगह है और यहाँ पर हम लोग इजीली बाइक चला सकते हैं। और यहाँ पर भी देखो कितनी सारी चीजें, ये ले भाई फटा पोस्टर निकला हल्क। और ये भाई मेरे हिसाब से लास्ट जंप है, क्या होगा, ये मार दी मैंने बैक फ्लिप और ये बूस्ट भाई बिल्कुल परफेक्ट। अबे यार अभी भी रैम चैलेंज खत्म नहीं हुआ यार, यहाँ पर अभी मेरे को जेट्स की और चलानी है। चलो जेट्स की भी चलाएंगे यार, इतनी दूर आए तो जेट्स की भी चलाएंगे। यहाँ पर मेरे को एक ग्रीन कलर वाली चाहिए, सब कुछ ग्रीन चाहिए भाई मेरे को। ये आ गए हम लोग पानी में, इस तरफ इस तरफ, बिल्कुल परफेक्ट, बढ़िया बढ़िया। चलो वाह वाह फुल स्पीड में, देख रहे हो क्या बूस्ट है भाई जेट्स की के अंदर। ये नहीं 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 थोड़ा सा रह गया, निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया, बिल्कुल बढ़िया। ओके पानी आ जाए, अब लहर कहाँ चली गई, अभी तो यहीं पर ही थी। हो भाई लहर एकदम गायब हो जाती है यार, पानी देख रहे हो कितना ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। बस 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 थोड़ा सा और, बस मैं जीतने वाला हूँ कुछ लिमिट्स और। और ये लास्ट वाली जंप और ये हम लोग जीत गए, हुर्रे। तो गाइस यार मेरे को मिल चुके मतलब 100 मिलियन डॉलर। चलो यार अपने पैसे लेते हैं और उसके बाद अपने आप को अपग्रेड करते हैं। चलिए 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 चलिए, ये रहे मेरे पैसे। ओके तो गाइस यार लेते हैं इसको, अब जल्दी से अपने आप को अपग्रेड करता हूँ। ओके तो गाइस यार ये देखो हम लोग फाइनली अपग्रेड हो चुके हैं। और ये देखो भाई मैं तो शील्क से कितना ज्यादा बड़ा हो चुका हूँ यार। और यहाँ पर देखो वेनम भी मेरे आगे कितना ज्यादा छोटा लग रहा है। अब देखता हूँ मेरी हाइट कितनी हो गई है यार, मैं स्केल जितना तो बड़ा नहीं हुआ हूँ अभी भी, पर एक दिन मैं इस स्केल से भी ज्यादा बड़ा हो जाऊंगा। और गाइस यार यहाँ पर देखो मेरी हाइट कितनी हो चुकी है, पर मैं तो अभी स्केल के आधा भी नहीं पहुंचा यार, मतलब अभी मेरी हाइट काफी छोटी है स्केल से, पर यार शील्क से तो मैं काफी ज्यादा बड़ा हूँ। शील्क अरे वाह तुम तो मुझसे कितने ज्यादा बड़े हो, मुझसे डबल साइज में। अरे भाई इतना बड़ा, ओ मैंने कभी नहीं देखा, मैं तो उछलूंगा। ये मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी, तुम तो कितने ज्यादा ताकतवर हो, ओ माय गॉड ये कितना ज्यादा बड़ा है सही में। तो गाइस यार फाइनली हमारी जो शी हल्क है वो हमारे ऊपर फिदा हो गई। वैसे मेरे को ग्रीन हल्क के अंदर अपग्रेड होना था, पता नहीं मैं रेड हल्क के अंदर क्यों अपग्रेड हुआ हूं, वो भी 3 हेडेड रेड हल्क के अंदर। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार भूले भटके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे इसको नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी। We're just getting